ये सोफा राइड इस हम गिरने का भी खतरा है इसमें। मैंने इस हील में की है सारी राइड्स। ये पानी में चला गया लेकिन फिर तेज बारिश स्टार्ट हो गई है बहुत खतरनाक किस्म की। मेरे फोन में पानी चला गया था पूरा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज प्रियंका काशिफ खान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कंटिन्यू होने वाला है हमारा आज का व्लॉग, फुल व्लॉग जरूर देखना है क्योंकि यू गाइस विल लव इट। अब हम लोग एक और जबरदस्त चीज करने वाले हैं, गाड़ी में जाने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। लेट्स सी कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है क्योंकि जेट स्की का तो सबसे बेस्ट रहा है। एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। करने वाले हैं वो है ये सोफा राइड। इसमें क्या होता है जरा मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आप अपर राइड देंगे, आगे जेट स्की जा रही होगी, आपके साथ आपका जो सोफा ट्यूब है वो बिल्कुल बांधा होगा, जेट स्की आगे जा रही होगी और सोफा जो है वो बिल्कुल वाटर पे। हम गिरने का भी खतरा है इसमें, गिरने का भी खतरा है लेकिन आप खुद को नहीं, उनको ये कहना है कि मतलब गिराना नहीं है, बस रहे आराम आराम से। आपने गिराना नहीं है, बेसिकली मैं मकसद गिराना नहीं है, प्लीज हम जस्ट एक्ट कर। ओह गॉड गाइस डर लग रहा है। आपको एडवेंचर करवाना है, अच्छी वीडियो ही है। गुड गुड गुड। आज सर जो है वो सॉक्स और शूज रिमूव करने हैं। कैसे रिमूव करूंगी? नहीं मतलब पूरे सॉक्स गंदे हो गए। आपकी बहन ने इस हील में की है सारी राइड्स, अब रिमूव की। आ जाए गाइस, लेट्स गो। थम्स अप करो, थम्स अप। एक्टिंग कर रही है मुझे पता है। मम्मा आपको मजा आया क्या? नहीं हाँ, आपको डोनट में भेज दिया अकेले? नहीं भाई, मैं ऐश करेगा उसमें नहीं जा सकती। अब सबा जी जो है वो डोनट पे बैठ गई हैं, अब असल मजा आएगा। हो रही सबा जी, वो चीख रही है, पानी में ना चली जाए मुझे लग रहा है। ऐसा कोई बत्तख है। अब कह रही है ऐसे लग रहा है जैसे कोई पत्ता नहीं। हाँ सबा जी वापस आ गई है। आ जाए मजा आ गया।
क्या होगा गाइस? आप भैया को मैं चाह रही हूँ भैया डोनट में बैठ जाए, भैया स्केट मैं अभी जेट स्की में भी नहीं बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कहा तुम वीडियोस बन जाना फिर बैठो। चलो फिर बैठ जाओ। भैया जो है वो जेट स्की पर गया है गाइस, अब जाके उस वक्त हम लोग कर रहे थे, अब भैया की बारी है। भैया उधर कोने में चले गए और यहाँ मौसम देख सकते हैं हम लोग कितना खुशगवार हो गया। यहाँ बिल्कुल ही अलग है, यहाँ पे बिल्कुल ही अलग है। मैं जाने लगी, क्या नेचर है माशाल्लाह सुभानअल्लाह। भैया इज ऑन जेट स्की। यहाँ पर जो है ना फिर से तेज बारिश स्टार्ट हो गई है, बहुत खतरनाक किस्म की, मतलब रुकने का नाम ही नहीं आज बारिश का। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करके जो एक और दिन का स्टे करवाने का बोला, अब लेट्स सी वो हो पाता है क्या नहीं, क्योंकि हमने सोचा था एक दिन आएंगे सारी एक्टिविटीज करेंगे और बस घर को जाएंगे, बट यहाँ पे तेज बारिश हो गई इस वजह से सारी एक्टिविटीज नहीं हो पाई। सारी एक्टिविटीज करनी है क्योंकि इसमें इतना मजा आएगा उसमें भी और मजा आएगा, तो एक दिन हमारा एक और स्टे है। ओ माय गॉड, वाओ गाइस, भैया जो है वो डोनट में जाने वाला है, फाइनली इसका डर खत्म हो गया है, अब हमने इसको वहाँ पे बिठा दिया है। अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि बाकी इसमें मैं जब बैठी थी तो मुझे खुद को खौफ आ रहा था, मैंने मना कर दिया था क्योंकि सिंगल भैया बैठ सकते हैं, तो इसलिए डोनट में ही भैया को बोला है। अब भैया का देखते हैं। भैया आर यू एक्साइटेड? ओहो भैया डरा हुआ भी है। अब जब भैया आएगा ना तो उसका एक्सपीरियंस पूछेंगे। तेज बारिश हो रही है, मोबाइल ऑब्वियसली वाटरप्रूफ है लेकिन शेड आ गया है। ओह माय गॉड, इसकी हालत देखिए। हाँ चक्कर आ गया, इसको सर दर्द हो गया। भाई साहब आ गए हैं, क्या कैफियत है ब्रो? बहुत मजा आया, लिटरली बता रहा हूँ। बस एक वक्त पे ऐसा लगे पानी में चला गया लेकिन फिर तुम वहाँ पे एंजॉय करते, मम्मा की यहाँ पे सांसें खुश थी। जान की थी। अब मम्मा के साथ मैं जाने वाली हूँ कार राइड, बारिश तो तेज होती जा रही है। अपनी अम्मा जी के साथ, ओ सॉरी मैं बगैर जैकेट के जा रही थी। जैकेट पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मेक श्योर जितनी भी वीडियोस आपको बनानी हो लाइव जैकेट आपने जरूर पहन कर जाना है, ऐसे बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। एंड इट्स डन, इसको प्रॉपर तरीके से आपने नॉट्स बांधनी है ताकि ये खुले नहीं। मैं गलती करी थी, मैं ऐसे ही छोड़ी थी क्योंकि गलत है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर आप गिर गए पानी में तो जैकेट ऊपर आ जाएगी, आप अंदर डूब जाओगे, तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए जाना, सारी जिनकी इंस्ट्रक्शन है उसको पूरा। बहुत अच्छी वाइब है गाइस, यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पे हम लोग को कुछ चाय वगैरह पीनी है, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इन्होंने बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट गाइस। यहाँ पर हम लोग आके बैठे हैं, मेरे फ़ोन में पानी चला गया था, पूरा कैमरा लेंस मुझे उतारना पड़ा, पूरा ये ब्लर हो गया था और ब्लर कैमरे से बिल्कुल व्लॉग नहीं बन रहा था, तो इस वजह से मैंने ये भैया से उतरवाया कैमरा लेंस। अब हम यहाँ पे कुछ ऑर्डर करते हैं और इस मौसम का मज़ा लेते हैं। मेन्यू कार्ड आ गया है, क्या क्विक सर्विस है भाई मुबाली फैमिली रिजॉर्ट की, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम हैविंग द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। अब यहाँ पर ऑर्डर करते हैं जल्दी से। फाइनली यार काइंड ऑफ फूड इज हियर गाइस, हमने जो रिफ्रेशमेंट मंगवाया जिसमें चिकन स्ट्रिप्स, साथ में है चाय और फ्राइज। चाय का तो मज़ा ही तब आता है जब तेज बारिश हो रही हो, एकदम ज़बरदस्त किस्म की वाइब हो तो फिर मज़ा ही आ जाता है, और ऐसा ही हो रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी मैं ये भी एक्सपीरियंस करूँगी, लेकिन इतना सुकून मुझे नहीं मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। लेकिन एक चीज़ में दिल बहुत ज़्यादा उदास है कि जो मेरे छोटे छोटे भाई हैं जलील, उदैन, नहीं वो लोग नहीं थे मेरे साथ, उनको इतना शौक है ऐसी जगहों पर आने का और इसी तरह की राइड्स करने का, मतलब वो बहुत ओवर एक्साइटेड है। अब मैं इंशाल्लाह उनको लेके आऊँगी, कहीं पर भी मेरा ट्रिप बनेगा ना वो लोग मेरे साथ जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनको दुबई लेके जाऊँ, तो मैं इंशाल्लाह उनको लेके जाऊँगी, तो डोंट वरी बच्चा पार्टी आऊँगी और मैं अपने बेबी को लेके जाऊँगी। हम लोग जा रहे हैं वापस,
बेस्ट है यार, वॉशरूम में ही सारा कमाल है वैसे। भैया यहाँ पे है तो भैया तो वॉशरूम में ही सो जाए। वेरी नाइस यार, मतलब लुक एट द रूम, बहुत खूबसूरत, बहुत डिफरेंट लाइफ है, बहुत मजे का रूम है भाई। या आप कपल्स को देते हो ना? कपल्स को मतलब अगर एक कपल है, कपल के साथ दो बच्चे हैं तो बच्चों वाले के ऊपर। अच्छा अच्छा, मम्मा आप भी आ सकते हैं विद एमबीबीएस। विद एमबीबीएस। अभी हम लोग स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, गीली गीली हो रही, प्लीज गाइस बी केयरफुल। अब हम लोग देख रहे हैं, वाओ यार ये तो पूरा एक अलग ही दुनिया है ऊपर की तो। व्हाट इज दिस? व्हाट 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 व्हाट? सिंगल बेड के लिए। वेरी नाइस, हाउ क्यूट, कितने प्यारे तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ, दैट्स रियली 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 इंप्रेसिव यार। इसी तरह इसका नीचे वाला जो पोर्शन है वो वाइट ओलिव और ये रोमियो, इसी तरह ये ब्राउन ओट विद जूलियट, और वो वाला जो येलो वाला है वो ब्लू लेक नाम है उसका, और वो वाला ओट पेकर हर किसी हर करवान के साथ टेरेस जो है वो प्रोवाइड किया है। यहाँ से अगर आप फुल मून के दिन आएंगे तो यहाँ पर आपको डार्कनेस बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, मतलब अंधेरा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप सिर्फ लाइट फील करेंगे, आपको रात नज़र ही नहीं आएगी कि यह रात है या सुबह है, इतनी लाइट होती है। मज़ा ही आ गया, बहुत ज़बरदस्त वाइब। करम भाई का भी हमने सेटलमेंट करवा दी है, वो भी आराम से रूम में रह सकते हैं। हम लोग यहाँ पर सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग आगे के सीन्स करें, क्योंकि हमारे काफ़ी सीन्स जो हैं वो रह गए हैं। इतनी खूबसूरत जगह से फ़ौरन नहीं जाना मुझे, आई वॉन्ट कि मैं पूरा एक्सप्लोर करके जाऊँ और आप लोगों को भी अपने साथ एक्सप्लोर करवाऊँ। आप लोग भी हर चीज़ देखो कि आखिर है क्या यहाँ पर खास बात जो रबी का इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई है मुबाली फैमिली रिजॉर्ट की तरह। अब हम लोग विजिट करने जा रहे हैं स्टोन रूम, नीचे देख के चलना पड़ेगा बिकॉज बहुत खतरनाक रास्ता है। खतरनाक इसलिए भी क्योंकि बारिश भी हो रही है, जाहिर सी बात है बारिश होती है तो वैसे ही बहुत स्लिपी स्लिपी होता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब भाई ऊपर की चीज़ें देखे तो मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई हूँ, अब हमें नीचे स्टोन रूम देखने हैं, अब देखते हैं उसके अंदर क्या ख़ास बात है जो ये इतनी तारीफ़ कर रहे थे। वैसे तो जो जो हमने तारीफ़ें सुनी थी उससे कहीं कहीं ज़्यादा अच्छा यहाँ आकर है। मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती, बट जब आप लोग यहाँ पर आओगे यू गाइज विल लव इट, बहुत बहुत ज़बरदस्त जगह है। वाओ, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ स्टोन हाउस में। वाओ, बाहर से चेक करें आप लोग, अब अंदर जाके देखते हैं। इसमें जब ये स्टोन्स आ रहे थे तो हमने कहा कि यार नेचर को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो चीज़ जहाँ पर पड़ी है अल्लाह ने जिस तरह गॉड गिफ्टेड नेचर में कोई भी अगर आप एडिटिंग करेंगे आर्टिफिशियली तो वो लग्जरी तो बन जाती है, लेकिन उसमें सुकून और वो जो नेचुरली जो फील होती है वो नहीं होती। ये बिल्कुल नेचुरल स्टोन्स हैं, इसको सिर्फ हमने पॉलिश किए हुए हैं। यहाँ पर ये चेयर्स देखे, पता नहीं पुरानी चेयर्स है, ये देखे क्या बात है, क्या बात है, ओल्ड वाइब, वेरी नाइस। स्टेयर्स भी दी हुई यहाँ से, जस्ट लुक एट दिस गाइस, बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ ये तो कुछ ज्यादा इसने इम्प्रेस कर दिया है, ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। मॉडर्न नहीं रखी है आप 19th सेंचुरी पे, क्योंकि हमारी डेट ऑफ बर्थ उस चीज़ की विटनेस है, बाकी हमारी जो अभी आजकल की जो हालात है या जो ज़माना है वो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मानती। पहले होता था, पहले जब जो लोग रहते थे ना वो इसी तरह रहते थे, ऐसे ही है बिल्कुल। क्या बात है, तो आपने बिल्कुल पुरानी यादें ताज़ा करा दी जो इस ज़माने में हुआ करते। वाओ, जस्ट लुक एट द वॉशरूम, क्या बात है। इसी वजह से फिर हमने इसको छोड़ दिया, काटा नहीं है, क्योंकि जितना नेचर को आप जिंदा रखेंगे उतनी अट्रैक्शन जो है, क्योंकि इंसान की बस की बात नहीं है ये चीज़ें, सबसे खूबसूरत
कमरा है। ये तो बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे क्या पिक्चर्स आएंगी गाइस, आपकी बहन को तो वैसी पिक्चर्स का बहुत क्रेज है। यहाँ से चेक करो आप, क्या खूबसूरत वाइब है। ये क्या जगह है? अच्छा, ये एक यहाँ पर एक छोटी सी लॉन है, क्योंकि यहाँ से डैम व्यू नहीं है। तो आप जैसे ही आएंगे, अगर कॉफी वगैरह या चाय वगैरह पीनी है आपने, बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में ओपन स्काई, तो यहाँ पर एक छोटा सा लॉन दिया है जिसमें दो चेयर्स पड़े होते हैं, और यहाँ से वो पूरी डैम की बहुत सारी नेचर की चेक कर दे अंदर जाके। ओहो वाह, वेरी नाइस। ये वो कह रहे थे ना कि आप केव, क्या बात है, खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो चीजें आंखें देख सकती है ना, वो कैमरा नहीं कैप्चर कर पा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बट क्या क्या सुकून है, जा सकते हैं। ये तो मैंने नहीं सोचा था यार, वेरी नाइस, जबरदस्त है, मजा आ गया गाइस। अब तो मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लोर करवा दिया। अब आप लोग इजीली, अगर आप लोग आना चाहें तो इजीली आप लोग आ सकते हो। फैमिली है, कपल्स हैं जिनकी न्यू न्यू शादी हुई है, वो इस जगह पर ज़रूर आइए। यू गाइस विल लव इट डेफिनेटली। लेट्स गो अपस्टेयर्स। So guys, मैंने शावर वगैरह ले लिया था। अब हम लोग वापस से जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि हमारे डिनर का टाइम हो गया है, 9:40 हो रहे हैं। तो अब बस जल्दी से चलते हैं। और सीन कुछ इस तरह का था कि मुझे शावर लेना था, तो मैं जब आई हूँ पूरी गीली हो रही थी मैं बारिश में, तो मैंने शावर वगैरह लिया, एकदम फ्रेश हो गई हूँ, सुकून मिल गया है। तो बस हम चलते हैं अब खाना खाने। हम लोग आके बैठ चुके हैं और सब आयशा जो हैं वो गई हैं इस्लामाबाद कुछ काम से, तो अब बस वो लोग आएंगे। बट आज हमारे साथ वो डिनर पर नहीं होंगे, तो कमी महसूस हो रही है। पूरी बड़ी टेबल लगी हुई थी, बट हम तीनों ही डिनर करने वाले हैं। देखते हैं डिनर हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा याद आ रही है अपने भाई की, सारे भाई मुझे बहुत रोना आ रहा है, रो ही जा रही है वो। ये देखो, हेलो गाइस। इसने ना मुझसे बात तक नहीं की है, बहुत बदतमीजी कर रहा था ये। इसको मैंने वीडियो भेजी, हमें एक मैसेज भी नहीं करा, वरना हर चीज़ में मैसेज करता है। आई मिस यू, तो मुझे मैसेज भी नहीं किया। नहीं कह रहा, हम भी बोर हो रहे। हाँ, छोड़ के जाओगी? आगे बताऊंगा कैसी जिंदगी चली, सोए जा 24 घंटे। मुझे पता है, मैंने आगे का प्लान भी कैंसिल कर दिया, जो प्लान था मैंने कैंसिल कर दिया। दिखाओ बच्चे पहले पहले से जी। ये खुला रहता 24 घंटे। क्यों खुला रहता? सोते रहते। क्या खुला रहता? याद में हुसैन भी बोल रहा था, कह रहे मम्मा वो बस सो, उठो स्कूल जाओ, आओ खाना खाओ, फिर सो जाओ, फिर शाम में उठो। ये तो बारिश हो रही है, चलो फिर भी आ चुका है हमारा खाना। ये है डायनामाइट प्रॉन्स, ये है हमारे पास चिली ड्राई, बाकी खाना साथ में आ गया है, जिसमें है ये पिज्ज़ा, साथ में ये है फिश एंड चिप्स, और है हांडी। तो जल्दी से अब फटाफट से खाना स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है। क्या मज़ेदार खाना था भाई, इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट, ऊपर से मज़ेदार जब खाना मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। भैया आपको मज़ा आया खाने में? मम्मा आपको? मुझे तो बहुत ही, मेरी मम्मा तो वैसे ही खाने की बहुत शौकीन है, तो मम्मा इज़ वेरी चूज़ी अबाउट द फूड। उनको बहुत कहीं कहीं का पसंद आता है खाना, तो मम्मा को यहाँ का खाना बहुत पसंद आया है। तो जल्दी से आप चलते हैं रूम में। जस्ट बैक टू आवर रूम गाइस। मम्मा ये शूज़ अंदर रख दूँ या यहाँ से ही है? सूख नहीं जाएंगे यहाँ पे? ओए होए मम्मा बहुत सर्दी है, मम्मा बहुत सर्दी है कमरे में, एसी चला के हम लोग चले गए, एकदम चिल्ड हो गया एकदम। ओए होए मज़ेदार एटमोसफियर हो रहा है। मेरी आंख लग गई थी, मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी, तो मैंने ब्लॉग वगैरह एडिट किया, अब जाके अपलोडिंग पे लगाया है। तो यहाँ पे मेरी दोस्तें भी आ चुकी हैं फाइनली इस्लामाबाद का चक्कर लगा के। कैसा रहा आपका ट्रिप? है फर्स्ट क्लास या ऐसा? सुबह से हमने कसम खाई एडवेंचर का, ऐसा ही है। अच्छा नहीं, छोड़े छोड़े, आप छोड़ दें ये बात। अच्छा नहीं नहीं, अरे बच्चा गाइस, इनका टायर पंचर हो गया था, इनका हमारा नहीं हुआ था, इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। बस भैया चुप हो जाओ, टायर पंचर हुआ था, अफसोस में ना।
कितनी देर के लिए चुप रहे? 2 मिनट साइलेंस, 2 मिनट साइलेंस फॉर टायर पंचर। इस्लामाबाद का मशहूर पुलाव अपने लिए बहुत अच्छा क्या खाएं आप लोग, और वो जो आपके लिए है वो रहा मेरे लिए, लेकिन आई कांट ईट बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट्स व्हाई। आपको पता है सुबह कितना मुश्किल काम करने वाले, प्लीज सब जो है ना गेट वेल सून का गेट वेल सून का कमेंट कर दे। और आप लोग को पता नहीं है कि सुबह क्या होने वाला है मेरे साथ, मैं पता डरी हुई हूँ।